हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कनक। आज मैं सत्तू के दो तरह के ड्रिंक बना रही हूँ, एक मीठा और एक नमकीन। गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, तो चलिए देखते हैं कि ये देसी ड्रिंक कैसे बनाते हैं। सत्तू का ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सत्तू। ये चने का सत्तू है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, या फिर भुना हुआ चना लेकर के आप उसे पीस लें। इसे मैंने घर में बनाया है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक वाला ड्रिंक बना रही हूँ पहले। तो 1 ग्लास ड्रिंक के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच सत्तू डाला है और इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। तो अभी मैं इसमें 1/2 ही ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसे हमें मिक्स करना है अच्छे से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो इसे हम गुठलियाँ ख़त्म होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच सादा नमक, यानी कि सफ़ेद नमक। आप चाहें तो सिर्फ काला नमक भी डाल सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे ये मिर्च, तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मिर्च लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल दे रही हूँ। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप नहीं भी डालें। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा होता है, डायबिटीज़ के लोग भी इसे पी सकते हैं, क्योंकि ये मीठा नहीं होता है। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 1/2 ग्लास पानी मैं इसमें और डाल देती हूँ, अभी 1 ग्लास हो गया है, तो ये तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटी हुई धनिया और 4-5 पुदीना के पत्ते काट करके डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और फिर हम इसमें डाल देंगे ये नींबू का रस, तो 1 नींबू का रस, मीडियम साइज़ का नींबू है, इसमें हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये सत्तू का ड्रिंक रेडी है। अब हम बनाएंगे मीठा सत्तू ड्रिंक। तो इसके लिए लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच सत्तू एक बर्तन में, तो ये भी मैं 1 ग्लास के लिए बना रही हूँ। तो इसमें हम पहले 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें लम्स या गुठलियाँ ना रहे। तो इसे है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ 1 ग्लास के लिए। तो शुगर पाउडर की जगह पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे घुलने में समय लगेगा, इसलिए इसे पीस कर ही डालें। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस, तो 1 मीडियम साइज़ का नींबू निचोड़ के डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। तो मैंने दोनों ही ड्रिंक में ठंडा पानी ही यूज़ किया है, आप इसे नॉर्मल पानी में भी बना सकते हैं। तो बस ये हो गया है रेडी, अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लीजिए, ये दोनों ड्रिंक बन करके रेडी है। तो इसमें आइस डाल करके सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।